राजगढ़ 3 मंजिला मकान गिरने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 को भोपाल रेफर। राजगढ़ के ब्यावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाल लिया। इनमें 3 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 1 गंभीर मजदूर को भोपाल रेफर किया गया है। हादसा मंगलवार शाम करीब 7 बजे शिवधाम कॉलोनी में हुआ। घटना की जानकारी लगते ही एसटीओपी नेहा गौर, थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ समेत प्रशासनिक अधिकारी और नगरपालिका का अमला मौके पर पहुंचे। कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी वहां पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि यह निर्माणाधीन मकान राजू सोंदिया का है। मकान के 3री मंजिल की छत डाली जा रही थी, इस दौरान पिलर की बीम फट गई। इसमें गीला मलबा समेत पूरा मकान धराशायी हो गया। यह मकान नाले से सटकर बनाया जा रहा था। निर्माण कार्य में 19 मजदूर लगे थे, इनमें से कुछ समय रहते बाहर आ गए थे। निर्माणाधीन मकान का मलबा हटाने के लिए JCB बुलवाई गई। पिलर को जब JCB से तोड़कर नहीं हटाया जा सका तो कटर मशीन बुलाई गई, जिसके बाद पिलर के सरिये काट कर मलबा हटाया गया है, जिसके बाद मजदूर का शव निकाला जा सका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों के उचित इलाज के आदेश भी दिए हैं।